वेल well, इस वीडियो में हम टेंथ क्लास के एक नए चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे तो इसका कुछ पार्ट जो है स्टैटिस्टिक्स का अपने नाइन्थ में भी पढ़ रखा है हम यहाँ चर्चा करेंगे मीन कैसे निकालते हैं ग्रुप डाटा का सो दिस इज आर्टिकल फोर्टीन पॉइंट टू वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मीन ऑफ द ग्रुप्ड डाटा तो ग्रुप डाटा का मीन हमने निकालना सीखना है देखिए अभी तक आपने जो पढ़ रखा है वो है द मीन या हम इसको कह देते हैं एवरेज निकालना हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशनस होंगी एज यू एज वी नो द इज़ द सम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ़ ऑल द ऑब्ज़र्वेशन डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो अभी तक हमने जो पढ़ा है कि यदि आपके पास मान लो नंबर ऑफ ऑब्ज़रवेशन होती है जैसे मैं यूँ कहूँ कि आपके पास ऑब्जरवेशन हैं एक्स वन है एक्स टू है, X2 है x3 है ऐसे आपके पास कोई एक्स एन ऑब्ज़र्वेशन है जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है एन ऑब्ज़र्वेशन है तो इनका यदि हमने एवरेज निकालना तो हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं एक्स बार से हम उसको लिखते हैं और इन सब ऑब्जर्वेशन को जोड़ देते हैं देखिए एक्स वन में एक्स टू जोड़ देंगे फिर एक्स थ्री जोड़ देंगे ऐसे सारी ऑब्जर्वेशन को जोड़ देंगे ये आगे एक्स एन एंड देन इट इज़ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन ये हमारे पास तरीका है जिसको हमने ऑलरेडी कर रखा है अच्छा यदि मान लो इसमें से कुछ ऑब्जर्वेशन रिपीट होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो x1 है वो दो तीन बार x1 आता है या x2 टू है दस बार आता है x3 जो एक ही बार आता है x1 जो हो पचास बार आता है तो हमारा फार्मूला को जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से बदल जाएगा इसको हम बहुत अच्छे तरीके से आपको उदाहरण देके समझाने की कोशिश करेंगे तो उस स्टेज के ऊपर हमने अब मीन कैसे निकालना है ये सीखने की कोशिश करेंगे ओके okay? यदि हमारी ऑब्जर्वेशन रिपीट होती हैं तो हम मीन कैसे निकालेंगे ये हम यहाँ इस क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे ओके सो वेल अब हम इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं चलते हैं ब्लैक बोर्ड की ओर देखिए हमारे पास सवाल है कुछ इस तरीके का कि हमें निकालना है मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास जो गिवन ऑब्जर्वेशन्स हैं उनका मीन हम कैसे निकालते हैं उसको हम लिखेंगे एक्स बार से हम रिप्रेजेंट करेंगे आपके पास कोई ग्रुप डाटा है फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास एक बच्चे के मार्क्स हैं उसने दस महीनों में दस मैथमेटिक्स के टेस्ट दिए हैं और उसकी ये ऑब्जर्वेशन है कि एक बार उसमें उसने दस में से दस मार्क्स लिए दोबारा फिर दस में से दस मार्क्स लिए फिर दस में से नौ मार्क्स लिए दस में से आठ मार्क्स लिए दस में से दस मार्क्स लिए दस में से छः मार्क्स लिए दस में से सात लिए फिर सात लिए फिर दस में से दस लिए फिर दस में से आठ मार्क्स लिए हमें पूछा गया कि आपको इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने का जो नाइन्थ क्लास में अपना एक फॉर्मूला पढ़ा है वो ये है कि आप ऐसा करिए एवरेज निकालना तो उसको एवरेज से आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे और उसमें हम सभी जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशन होती हैं उनका हम जोड़ करते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम उसको डिवाइड कर देते हैं ओके तो यही हमने देखिए यहाँ हमने क्या किया यहां हमने इसी तरीके से किया इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने ऐसे एस, करने की कोशिश की है ओके okay? मैंने uh, सारी ऑब्जर्वेशन को जोड़ दिया और डिवाइडेड बाई दस बार उसके टेस्ट हुए ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो टेन है राइट सो टेन से हमने डिवाइड कर दिया दिस इज इक्वल टू एन ये एन के बराबर है ओके okay? नाउ ये रिप्रेजेंटेशन हो गया एवरेज का दिस इज uh, इनका जोड़ करने के बाद आता है एटी फाइव और डिवाइड बाई टेन सो एवरेज इज़ एट पॉइंट फाइव मार्क्स तो ऑन एन एवरेज उसने एट पॉइंट फाइव मार्क्स लिए हैं आठ टेस्टों में ओके okay? सवाल को हम आगे मोड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या इस सवाल को इससे शॉर्टकट तरीके से किया जा सकता है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन हम जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही तरीका मीन को निकालने का हो यदि ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑब्जर्वेशन जो बार बार रिपीट हो रही हैं तो क्या उनको लिखने की ज़रूरत है देखिए मान लो कि आपके पास ऐसे है दस है और यहाँ दस है यहाँ दस है नौ है आठ है छः दस है छः है अब यहाँ देख रहे हैं हम कि छः तो एक ही बार है इसको हम ऐसे ले सकते हैं सिक्स क्रॉस वन थोड़ा शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं यहाँ सात दो बार है तो सात और सात चौदह आएगा तो यदि हम इसको सात गुणा दो लिखते हैं तब भी चौदह ही आएगा जो एट है वो भी दो बार है तो यहाँ इसको आठ और आठ जोड़े जोड़ा आपने तो ये सोलह आएगा ये आठ गुणा दो लिख दें तब भी सोलह ही आएगा तो इसका जो सम है वो प्रभावित नहीं हो रहा है आगे हमारे पास टर्म है नाइन ये एक ही बार है तो यहाँ भी नौ आएंगे और यदि नौ गुणा एक करेंगे तब भी नौ ही आएंगे तब भी इसका जो टोटल सम है निमेरेटर में वो वो पटरव नहीं हो रहा है अब ये यह देखिए यहाँ दस एक दो तीन चार दस में से दस उसने चार बार मार्क्स लिए हैं तो यहाँ सम में यहाँ चालीस ऐड हो रहे हैं तो यदि हम उसको दस गुना चार लिख दें तब भी चालीस ही आ रहे हैं अब आप देख रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन है ना वो छोटा थोड़ा सिक्वीज़ हो रहा है इकट्ठा हो रहा है शॉर्ट बन रहा है और नीचे यदि हम देखें ये देखिए नीचे यहाँ दस हैं और ये इनका जोड़ कितना हो जाए एक दो एक तीन तीन दो पाँच पाँच एक छः और छः चार दस तो दोनों न और डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता आई I मीन mean, इस वाले पार्ट को हम ऐसे लिख दें कोई गलती नहीं आएगी और इस वाले पार्ट को हम ऐसे लिख दें तब भी कोई गलती नहीं आएगी दोनों एक बराबर हैं ओके okay? अब इसको देखिए जरा करके इसको हमने लिखा सिक्स क्रॉस वन सिक्स सेवन क्रॉस टू फोर्टीन एट क्रॉस टू सिक्सटीन नाइन क्रॉस वन नाइन और टेन क्रॉस फोर फोर्टी राइट सर डिवाइड बाई वन प्लस टू प्लस टू प्लस वन प्लस फोर इट इज इक्वल टू टेन सो आंसर इज वंस अगेन अपर वाला पार्ट जो उसमें एटी फाइव आएंगे और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वहां टेन आएंगे और देखिए आंसर दोबारा फिर से आपका आ, ये आ, जाएगा एट पॉइंट आंसर वंस अगेन इज ये आपका जो आंसर है वो यहां से आ जाएगा एवरेज एट पॉइंट फाइव सो ये एवरेज और इस फार्मूले से निकाले गए एवरेज दोनों बराबर आ गई इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम अपने सवाल को इस फार्मूले से भी करते हैं तो ये फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों व एक जैसी चीज़ें हैं इसको आपने समझने की कोशिश करने कि नाइन्थ क्लास में आपने सीखा कि हम एवरेज ऐसे निकालते हैं तो एक साधारण बच्चा जब निकालेगा वो वैसे निकालेगा पर एक जो होशियार बच्चा वो सोचेगा यार जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं उसको हम मैं क्यों बार बार जोड़ता चला जाऊँ तो उसने ऐसे किया कि जैसे एक्स वन टर्म है वो एफ वन टाइम आ रही इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इसको हम बोलते हैं डाटा फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई टर्म कितनी बार रिपीट हो रही है कितनी बार उस डाटा में आ रही है बार बार जैसे आपने देखा दस जो है वो चार बार आ रही थी तो चार उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओके तो ये आ गया एक्स वन एफ वन ऐसे कोई एक्स टू टर्म होगी वो एफ टू बार आ रही है एक्स एन टर्म जो है वो एफ एन बार आ रही है और यदि हम इन सब फ्रीक्वेंसीज़ का जोड़ कर दें जैसे हमने यहाँ देखा एक प्लस दो प्लस दो प्लस एक प्लस चार तो ये दस आ रहा था दिस मीन्स दैट कि यदि हम इन सब ऑब्जर्वेशन का जोड़ कर देते हैं हम यदि ऐसा लिखें सम ओवर आई इज इक्वल टू वन टू एनी नंबर एन दिस एफ़ वन प्लस एफ़ टू प्लस एफ थ्री प्लस सो एंड सो ऑन एफ एन ये टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स के बराबर आ जाता है मतलब क्या हुआ कि अपर वाले पार्ट को तो हम ऐसे लिख सकते हैं सम समेशन आई इज कल्ड वन टू एनी नंबर एन दिस इज एक्स आई इसको आई से रिप्लेस कर दिया और इस वाले पार्ट को आई से रिप्लेस कर दिया और ये वाला पार्ट जो सम वाला जो साइन है उसको हमने समेशन से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये चीज़ें जुड़ रही हैं ओके तो ये आ गया आपके पास जब आई वन पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स वन एफ वन फिर प्लस वाला साइन समेशन से आएगा एक्स टू एफ टू फिर प्लस वाला साइन समेशन से आएगा फिर एक्स थ्री एफ थ्री प्लस सो सो ऑन एक्स एन एफ एन तो ये न्यूमेरेटर वाला पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं हम तो इस तरीके से हम हमारा जो एवरेज निकालने का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू सम ओवर आई इज इक्वल टू वन टू एनी नंबर एन दिस इज़ एक्स आई ये जो टर्म है और ये कितनी बार रिपीट हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन है डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल टू वन टू एनी नंबर एन दिस इज़ एफ आई तो ये हो जाएगा एन नंबर ऑफ टर्म्स ओके इस तरीके से हम दूसरे तरीके से जो मीन जो है उसको हम निकाल सकते हैं अब इसके लिए हमें कोई उदाहरण करना पड़ेगा और उस उदाहरण को हम यहाँ डिस्कस करते हैं आपके साथ ये तरीका हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया अब हम चलते हैं एक उदाहरण ये देखिए ये रहा एवरेज निकालने का सिंबल एक्स एवरेज और ये आपके पास आ जाएगा आई इजिकल टू वन टू एनी नंबर एन दिस इज़ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स को हम ऐसे ले सकते हैं ये आ गया एफ आई राइट सो इसको हम समझने के लिए हम क्या करते हैं एक उदाहरण लेते हैं सो so, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है इसको हमें सॉल्व करने की एक, एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है द मार्क्स ऑफ टेन बाई थर्टी स्टूडेंट्स तीस क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके मैथेमेटिक्स के टेस्ट में कुछ जो मार्क्स आए हैं उनका एक टेबल बनाकर आपको दिया हुआ है आपको ये बताना है कि ऑन एन एवरेज बच्चे के मार्क्स कितने रहे हैं क्लास में एक बच्चे के एवरेज मार्क्स कितने रहे हैं देखिए तो अब जो सवाल है इसका मतलब क्या है ये है मार्क्स जो बच्चों ने लिए हैं टेस्ट में दस लिए हैं बीस छत्तीस चालीस पचास छप्पन साठ सत्तर बहत्तर अस्सी अट्ठासी बानवे और पचानवे अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये जो दूसरा रो है उसमें बताया है इसको समझना है हमने कि इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि दस मार्क्स जो एक ही बच्चे के हैं पूरी क्लास में बीस मार्क्स जो हैं वो एक बच्चे के हैं पूरी क्लास में छत्तीस मार्क्स जो हैं वो तीन बच्चों ने लिए हैं चालीस मार्क्स चार बच्चों चारी ने लिए हैं पचास मार्क्स तीन बच्चों ने लिए हैं छप्पन मार्क्स दो बच्चों ने लिए हैं साठ मार्क्स चार बच्चों ने लिए हैं सत्तर मार्क्स चार बच्चों ने लिए हैं बहत्तर मार्क्स एक बच्चे ने लिए हैं एटी मार्क्स एक बच्चे ने लिए हैं एटी एट मार्क्स दो बच्चों ने लिए हैं नाइन्टी टू मार्क्स तीन बच्चों ने लिए हैं और नाइन्टी फाइव मार्क्स आपकी तरह एक ही बच्चा है जिसने नाइन्टी फाइव मार्क्स स्कोर किए अब देखिए ये टोटल बच्चे कितने थे तीस थे अब ज़रा देखिए यदि मैं इन सब एफ को जोड़ दूँ तो क्या हो जाना चाहिए एक दो तीन पाँच चार नौ तीन बारह दो चौदह चार अठारह चार बार एक तेईस चौबीस दो छब्बीस चौबी, तिर उनतीस और एक तीस देखो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इन सब को जोड़ दें देखिये मैंने सब यदि एफ आई को जोड़ दिया आई इज इक्वल टू वन ऑब्जर्वेशन कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो थर्टीन हो गया और ये मेरे पास आ जाएगा एफ आई सबको यदि मैंने जोड़ा तो ये हो गया एन के बराबर और ये हो गया थर्टी मतलब क्या हुआ कि एन जो है ये भी थर्टी के बराबर है सम ऑफ ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज इज ऑल्सो इक्वल टू थर्टी क्लियर हो गया हमसे पूछा है कि आप बताइए कि जो एवरेज मार्क्स कितने हैं बच्चों के तो उसको निकालने के लिए हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो ये है कि ये जी देखिए जी यदि आपको एवरेज निकालना है तो आपको क्या क्या चाहिए होगा आपको होगा चाहिए होगा सम्मिशन एफ आई एक्स आई ओवर सम ओवर ऑल एफ आई तो सम ओवर एफ आई इज टू थर्टी ये तो हमारी बात पूरी हो चुकी है अब हमें एक्स आई और एफ आई का गुणा करना है उसके लिए लीजिए आप एक टेबल जो है उसको हमने ऐसे रख दिया और ये मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी तो आप देखिए जरा एफ आई इंटू एक्स आई निकालिए ये हुआ आपके पास एफ आई एक्स आई और ये हुआ एफ आई तो टेन इंटू वन ये आपके पास आ जाएगा यहाँ हो गया आ, एक मिनट यहाँ हो गया टेन इंटू वन वन इंटू टेन इज इक्वल टू टेन दूसरे केस में क्या हुआ एफ आई इंटू एक्स आई वन इंट ट्वेंटी इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री इंटू थर्टी सिक्स इज इक्वल टू हंड्रेड एंड एट फोर इंटू फोर्टी इज इक्वल टू वन सिक्सटी थ्री इंटू फिफ्टी इज इक्वल टू वन फिफ्टी टू इंटू फिफ्टी सिक्स

एंड वन इंटू नाइनटी फाइव इज इक्वल टू नाइन्टी फाइव सो दिस इज वॉट दिस पार्ट इज एफ आई एंड दिस पार्ट इज एक्स आई सो एफ आई इंटू एक्स आई इज लाइक दैट अब यदि हम इसको जोड़ दें यदि इन सब टर्म्स को हम जोड़ते हैं तो ये हमारे पास आता है थर्टी यदि हम इन अब सब टर्म्स को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है वन सेवन सेवन नाइन राइट अब देखिए हमारे पास कितना आसान रह गया यदि अब हमने एवरेज निकालना है तो कितना ईजी है अब एक्स एवरेज आप लिखिए और उसका फार्मूला हमारे पास ये है दिस इज़ एफ आई एक्स आई ओवर सम ओवर ऑल एफ आई इसकी जगह पुट कर दीजिए वन सेवन सेवन नाइन डिवाइडेड बाय थर्टी और ये वाला पार्ट जो है वन सेवन सेवन नाइन डिवाइडेड बाय थर्टी दिस इज़ फिफ्टी नाइन पॉइंट थ्री सो इतना आसान है इसको निकालना तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब कुछ सवाल आप एक्सरसाइज के करेंगे तो आपको चीज़ें बड़ी आसान लगेगी तो ये वीडियो हम यहीं क्लोज़ करते हैं और फिर हम अगले वीडियो में चर्चा जारी रखेंगे